जी बुलाइए। ठीक बोला कि क्या रूल्स हैं? सर, उसका नियम 3 कहता है सर, कम से कम 2 समाचार पत्रों में प्रकाशन होना चाहिए सर। कहाँ हैं 2016 के नियम? Page 41। ये वकील साहब कानून ही पढ़ेंगे, उनको ये नहीं हाँ, मालूम गलती होगी किस तारीख का विज्ञापन दैट वाज ए बोनाफाइड कौन वकील मिस्टेक साहब, उनके खिलाफ कार्रवाई करो यहाँ पर मलोड। बार काउंसिल में। रिक्वेस्ट वाज मेड बाय रेस्पोंडेंट नंबर 4 अपीयरिंग फॉर रिस्पोंड नंबर द लास्ट डेट ऑफ हियरिंग देयर वाज एन ऑर्डर फॉर पर्सनल प्रेजेंस ऑफ द रेस्पोंडेंट नंबर 4 इज प्रेजेंट मलोट। क्या ऑर्डर था? इनफैक्ट मलोट द देयर वाज ए एक्शन प्रोसीडिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ वन कॉम्प्लेक्स मलोट एंड एनआईटी एक सेकंड हां रूल्स वर नोटिफाइड ऑन कितना एक्सटेंडेड दैट द लीगल इशू इज दैट वेदर रूल्स पब्लिश उसमें रूल्स 2016 का ही लगेगा मतलब। इन फैक्ट व्हाट हैपेंड इन दिस मैटर मलोट द वेयर इज दिस पॉइंट नंबर 4 मलोट जी बुलाइए। बोला कि क्या रूल्स हैं? सर, उसका नियम 3 कहता है सर, कम से कम 2 समाचार पत्रों में प्रकाशन होना चाहिए सर। कहा है 2016 के नियम सर? पेज 41 रूल 3 सर रूल 3 हाँ बाय इनवाइटिंग टेंडर इट शुड बी पब्लिश्ड इन एटलीस्ट टू न्यूज़पेपर्स ऑफ विच वन शैल बी A local Hindi newspaper and shall also be published on the notice board of the municipal corporation. ठीक है, फिर आपने कर दिया इसकी compliance? मतलब इसमें actually क्या हुआ कि इसमें तो हो गया था, उसके बाद अभी agreement नहीं हुआ था, उसके बाद file आई commissioner के पास, दादन commissioner, he has recently joined municipal corporation, Sagar Malod. जब commissioner के पास file आई तो उन्होंने ये देखा कि last ये third time इसी complex के लिए action हुआ है। पहले 65 लाख में हुआ था, इस बार 41 लाख में हुआ और एक ही कंपटीटर था, तो इन्होंने कहा कि भाई इतना कम क्यों है, इससे लॉस हो रहा कॉर्पोरेशन। बात पे नहीं जा रहे हैं। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया, ओपिनियन के लिए फाइल भेजा एडवोकेट्स के पास, तो 2020 में ओपिनियन के पास काउंसिल के पास ओपिनियन के लिए गई, तो उस समय 2018 का लेखा नियम प्रभावशील था, तो उनको ये लगा कि इनको वकील साहब को जी वकील तो उन्होंने इस क्यों नहीं है हाँ ये इनएडवर्टेंटली मलोट इनएडवर्टेंटली और लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ इनएडवर्टेंटली मलोट ये वकील साहब कानून ही पढ़ेंगे, उनको ये नहीं मालूम गलती होगी किस तारीख का विज्ञापन दैट वाज ए बोनाफाइड मिस्टेक वकील साहब, उनके खिलाफ कार्रवाई करो यहाँ पर बार काउंसिल में। वही दैट पॉइंट हैज बीन वकील साहब है वहाँ के हम नहीं, वो तो मालूम है आप ये गलती नहीं करेंगे। दैट वाज ए बोनाफाइड मिस्टेक मलोट व्हाट कैन बी डन मलोट। हाँ ये है कि अभी तक एग्रीमेंट नहीं हुआ है इसमें मलोट, एग्रीमेंट अभी भी नहीं हुआ है, पजेशन दे दिया गया है उसको किसको पिटिशनर को। फिर पिटिशनर क्यों दुखी है, एग्रीमेंट क्यों नहीं कर रहे आप? एग्रीमेंट अब कर देंगे मलोट बिकॉज ऑफ द इंपीयर्ड ऑर्डर पे एडवांस आपको 65 लाख की जगह 41 लाख का ऑफर मिला तो कैसे कर देंगे ऑर्डर? वही इसीलिए मलोट तो अरे हाउ कैन ही एनफोर्स समथिंग व्हिच इज कॉन्ट्रारी टू दी सर। जनवरी 2013 में सर पहली बार जो ऑक्शन हुआ था सर 65 लाख आया था सर, उसके बाद जो दूसरी बार तीसरी बार हुआ सर उसमें 40,07,000 आया सर, जो ऑफसेट प्राइस 41,60,000 आया सर। निगम को सर क्षति हो रही थी सर, तो तत्कालीन कमिश्नर ने इसको देखा सर, विधिक राय ली, उसके हिसाब से उन्होंने सोचा कि निगम को आय की हानि ना हो, फिर उन्होंने सर इसको कैंसिल कराया सर। और रिप्लाई वगैरह आ गया इसमें? जी रिप्लाई फाइल हो गया, कब किया रिप्लाई? पहले ही कर दिया मैंने। चलिए फिर इसको फाइनली सुनेंगे फिर क्या जल्दी है जी। Any short date because I have already deposited the earnest money. It is more than the offset price. In a 40 lakh offset price, like, still he can single bid pay. He can still cancel it. You have not perfected your title over the property.
डेफिनेटली आई हैव नॉट बट द रीजन फॉर रिजेक्शन इज द रूल्स व्हिच वर नॉट एट ऑल वो तो ठीक है वो ठीक है हमको अमेंडेड रिटर्न स्टेटमेंट देते हैं फाइल करने के लिए लेट देम फाइल लिखिएगा श्री उत्तम महेश्वरी लर्नेड काउंसिल फॉर द पिटिशनर श्री जीपी सिंह लर्नेड काउंसिल फॉर रिस्पोंडेंट नंबर 4 अलोंग विद श्री चंद्रशेखर शुक्ला कमिश्नर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सागर नेक्स्ट जीपी सिंह सबमिट्स दैट अंडर इनकरेक्ट लीगल एडवाइस रूल्स ऑफ 2018 हैव बीन एनेक्स्ड अलोंग विद द रिप्लाई वेयर एज